हाँ देखो हम लोग यहां पढ़ रहे हैं पोजिशन ऑफ टू पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू गिवन लाइन। समझिएगा एक प्लेन में एक लाइन है और दो पॉइंट, तो दो सिचुएशन हो सकते हैं यहां पे। लाइन के रिस्पेक्ट में पॉइंट का जो पोजिशन होगा वो दो तरह से होगा, या तो दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड होंगे या सेम साइड होंगे। इस तरह से इससे मैंने कर दिया फिगर टू। फिर से क्वेश्चन लीजिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ए गिवन लाइन। एक प्लेन में एक लाइन दिया हुआ है और दो पॉइंट पॉइंट पी और क्यू, एक्स वन और एक्स टू बाई टू, तो दो तरीके से दो केसेस हो सकते हैं, दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड हो या दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड हो। पॉइंट लाइज आइदर अपोजिट साइड विद रिस्पेक्ट टू लाइन और ऑन सेम साइड विद रिस्पेक्ट टू लाइन। क्लियर है? अभी हमें कुछ नहीं पता है कि दोनों पॉइंट सेम साइड है या अपोजिट साइड, लेकिन जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं लाइन चाहे दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड हो या सेम साइड हो, अगर अपोजिट साइड है तो दोनों पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा, ये दो पॉइंट है पी और क्यू, ये इस लाइन के अपोजिट साइड है, तो ये लाइन सेगमेंट पी क्यू हो गया। ये लाइन सेगमेंट पी क्यू पॉइंट इस लाइन को, लाइन सेगमेंट पी क्यू इस लाइन को कहीं इंटरसेक्ट करेगा ना, मान लो आर में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि इस केस में, कौन से केस में, जब दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड है, तो जो पॉइंट आर है, पॉइंट आर क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ गिवन लाइन ए एस प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड लाइन सेगमेंट पी क्यू, ये इस लाइन को लाई करेगा ए एस प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो पर, बोलो yes. और वो लाइन सेगमेंट पी क्यू को इंटरनली डिवाइड कर रहा है एम स्क्वायर से रेशियो, नहीं समझ आ रहा है? yes. और जब दोनों पॉइंट अपोजिट साइड में होंगे, ये दो पॉइंट अपोजिट साइड में, आपने इसको ज्वाइन कर दिया, लाइन सेगमेंट पी क्यू हो गया, इसको आपने एक्सटेंड किया, अब पी क्यू को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट जब उसको आपने एक्सटेंड किया इस लाइन ए एस प्लस डी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो को पॉइंट आर में मिल रही है, बोलो बेटा पॉइंट आर लाई कर रहा है गिवन लाइन ए एस प्लस डी वाई प्लस सी इक्वल जीरो पर, और पॉइंट आर यहां पे क्या कर रहा है, लाइन सेगमेंट पी क्यू को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन रेशियो एम स्क्वायर। दोनों केस में वही चीज है क्या, आर पी इज टू आर क्यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर, बोलो बेटा है ना। तो यहां से हम एक काम करते हैं, सबसे पहला काम लेट आर डिवाइड्स पी क्यू इन रेशियो एम स्क्वायर, ये मैं यहां लिखता हूं आर पी शू आर पी शू एम स्क्वायर। आर क्या है, आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड गिवन लाइन वन
समझाया? अभी हम इंटरनली स्टडी बात नहीं कर रहे हैं। अब आर अगर पी क्यू को एम स्क्वायर के रेशियो डिवाइड कर रहा है, आर का क्वाड्रेंट निकालो, एम एक्स टू प्लस एम एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एम वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ये क्या है? लाइज ऑन गिवन लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू यू वर्ड, यहां पुट कर दो, ए एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन प्लस बी एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन प्लस सी इक्वल टू यू, एम बाहर कर लिया, ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी, एन बाहर कर लिया, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इक्वल टू, याद समझ आया? तो जल्दी बोल बेटा, यहां से ये हो जाएगा एम ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी इज इक्वल टू माइनस एन ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, वैचारिक हो गए, एम अपॉन एन इज इक्वल टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी, हो गया yes. डले सर, अब यहां हम दो केस राइज करेंगे, केस वन में इफ पॉइंट्स P x1 y1 एंड Q x2 y2 आर ऑन अपोजिट साइड टू गिवन लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, साफ साफ लिख रही आप इसे जान समझ, इफ पॉइंट्स पी एक्स वन आई वन एंड क्यू एक्स टू आर ऑन अपोजिट साइड टू गिवन लाइक वन, देन आर डिवाइड्स PQ इन रेशियो n इज टू n इंटरनली, ये फिगर वन आप देख सकते हैं, आप फिगर वन देखो, यहां क्या लिखा हुआ, इन पॉइंट्स P एंड Q आर ऑन अपोजिट साइड टू गिवन लाइन ए एस प्लस डी वाई प्लस सी टू जीरो, देन आर डिवाइड पी क्यू इन रेशियो एम स्टूडेंट इंटरनली, फिगर वन इंटरनली का मतलब क्या होता है, देखो कभी कभी ये होता है कि हम रेशियो निकालते हैं एम स्टूडेंट और फिर कहता है कि फाइंड रेशियो एम स्टूडेंट और ये बताओ कि ये लाइन को इंटरनली डिवाइड करता है कि एक्सटर्नली, दस मैं बेटा, तो अगर रेशियो एम स्टूडेंट पॉजिटिव है तो डिवाइड करेगा इंटरनली और नेगेटिव है तो एक्सटर्नली, जब कभी कभी अननोन रेशियो निकालते हैं हमें नहीं पता, तो हम जनरल जब कराते हैं ध्यान दीजिएगा रिजल्ट जनरल लगाएंगे, यानी एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन,
और उसको सॉल्व करके जब m अपॉन n निकालते हैं, अगर m अपॉन n पॉजिटिव आता है तो रेशियो इंटरनली है और नेगेटिव है तो एक्सटर्नली है, या उल्टा, यानी अगर रेशियो नेगेटिव आता है तो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा और पॉजिटिव आता है तो इंटरनली डिवाइड करेगा, दोनों बातें। तो आपने क्या लिखा है कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है, बोलो yes. इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इसलिए नेसेसरी कंडीशन हो जाएगा इन रेशियो m is to n internally, तो इसमें तो क्या होगा, therefore this implies that m upon n, ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, इंटरनली डिवाइड किया तो रेशियो पॉजिटिव होगा। अब ये रेशियो पॉजिटिव होगा, आपने फिगर देख लिया यहां पर, इस फिगर को उठा देता हूं, तो यहां से कहा जाएगा ये आप देखोगे m इज टू n, अब यहां से m अपॉन n की वैल्यू पुट कर लो फ्रॉम टू, ये वैल्यू पुट करिए आप यहां से, आप क्या लिखोगे माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी पॉजिटिव, बोलो बेटा yes. या माइनस है ना, अगर हमें इस माइनस को हटाना तो क्या करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे yes. आपको पता है इनइक्वालिटी है yes. तो यहां से जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी, ये क्या हो जाएगा था? ये नेगेटिव हो गया, बोलो समझ में आ गया। अब जरा आप ड्राइंग करते हैं, दो नंबर का रेशियो नेगेटिव आएगा, दो नंबर का रेशियो नेगेटिव कब आएगा, जैसे मान लो एक नंबर ए है एक नंबर बी है, ए अपॉन बी नेगेटिव कब आएगा, एक इसमें से कोई एक अपॉन उनमें से कोई एक नेगेटिव, हाँ इफ दे हैव अपोजिट, यस समझा ना, दो नंबर का रेशियो नेगेटिव कब होगा, इफ दे हैव अपोजिट साइन, या दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, इफ दे हैव अपोजिट साइन, सेम साइन है तब तो पॉजिटिव आएगा, जैसे माइनस थ्री अपॉन माइनस फोर पॉजिटिव, सेम साइन, थ्री अपॉन फोर पॉजिटिव, लेकिन थ्री अपॉन माइनस फोर ये नेगेटिव आ जाएगा। तो दो नंबर का रेशियो या मल्टीप्लीकेशन, दो नंबर का रेशियो या प्रोडक्ट नेगेटिव है तो ये कब होगा, इफ दे है अपोजिट साइन, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कब होगा, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए एक्स वन मल्टीप्लाई यहां पर दिस इज पॉसिबल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन का सबसे टिपिकल और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी एंड ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी है अपोजिट साइन, अपोजिट साइन, समझे बेटा। अब तुम जान रहे कि ए एक्स वन और बी वाई वन प्लस सी, ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी, इनका साइन अपोजिट है, तो क्या इनका प्रोडक्ट निगेटिव और पॉजिटिव होगा, निगेटिव, निगेटिव होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी और इसके साथ प्रोडक्ट इसका हो गया yes. तो इधर डाल, दिस इंप्लाइज दैट ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इंटू ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी
कंक्लूजन क्या दोगे? कंक्लूजन क्या होगा? देयरफॉर टू पॉइंट्स पी एक्स वन वाई वन एंड क्यू एक्स टू वाई टू आर ऑन अपोजिट साइड टू लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. If I know this, ax1 plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c have opposite sign. ठीक है ना? That is ax1 plus by1 plus c into ax2 plus by2 plus c is less than 0. इसको एक बॉक्स से बंद कर देना कि हमेशा याद है. समझ में आया नहीं? दो पॉइंट एक्स वन चेक करना रुचा बेटा सुन लेते हैं. दो पॉइंट दिया हुआ है एक्स वन और एक्स टू है. एक लाइन दिया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो. चेक करना है कि ये दोनों लाइन इस लाइन के अपोजिट साइड है या सेम साइड है. तो तुमने क्या किया? एक्स की जगह एक्स वन वाई की जगह वाई वन किया. तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ऐसे ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी का साइन देखिए. अगर दोनों का साइन अपोजिट है यानी एक पॉजिटिव आया एक नेगेटिव आया इसका मतलब दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट साइन. या ये प्रोडक्ट निकालो ये लेस देन जीरो है तो लाइन अपोजिट साइन. क्लियर हो गया? कितना समझ गए? देखिए तो बहुत अच्छा नोट कर लेते हैं. केस टू. इफ पॉइंट्स नोट करते हैं पॉइंट्स पी एक्स वन वाई वन एंड क्यू एक्स टू वाई टू और हम सेम साइड टू गिवन लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. फिगर टू. जैसा कि फिगर टू आप देख रहे हैं ऐसे केस में क्या होगा? इन दिस केस पॉइंट आर डिवाइड्स पी क्यू एक्सटर्नली इन रेशियो एम इज टू एन. जैसा कि आप फिगर टू में देख रहे हैं. ठीक है बेटा? फिगर टू क्या आप समझ गए? अगर एक्स वन डिवाइड करेगा एम स्टूडेंट क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा. Therefore, this implies that क्या एम इज टू एन ये क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा. इसके अनु मालूम है आपको? इसके अनु क्या है बताइए तो? माइनस ए एस वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए एस टू प्लस बी वाई टू प्लस सी बी वाई टू प्लस सी ये निगेटिव हो गया. ये कहां से आया? फ्रॉम टू. ठीक है ना? फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया आपने ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए एक्स टू
प्लस बी वाई टू प्लस सी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव। अब दो नंबर का रेशियो पॉजिटिव कब होता है? सेम जब दोनों का साइन सेम, ठीक है ना। बस दिस इज पॉसिबल खत्म हो गया। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी एंड ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी है सेम साइन, ठीक है ना। अब दो नंबर के साइन सेम है तो उनका रेशियो भी पॉजिटिव होगा और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ? This is possible only when ax1 plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c have same sign. इसका मतलब क्या हुआ? This implies that ax1 plus by1 plus c into ax2 plus by2 plus c क्या हो जाएगा? अब ये ग्रेटर देखिए हो जाएगा, इज ग्रेटर देखिए। देयरफॉर टू पॉइंट्स पी एक्स वन वाई वन एंड क्यू एक्स टू वाई टू आर ऑन सेम साइड टू ए गिवन लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी एंड ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी है सेम साइन, सेम साइन। दैट इज ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इंटू ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी इज ग्रेटर देन टू। समझ आया नहीं आया? इसको आप घेर लीजिए, ये कंक्लूजन है, इसी पर क्वेश्चन लगाना है। क्या लिखा है यहाँ पे? टू पॉइंट्स पी एक्स वन वाई वन एंड टू एक्स टू वाई टू आर ऑन सेम साइड टू ए गिवन लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी एंड ए एक्स टू प्लस बी वाई दैट इज ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ए इंटू ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर बेटा? समझाए सबको? देखो यहां एक क्वेश्चन लिया हमने, यहां पे दो पॉइंट है पी थ्री फोर और क्यू टू माइनस सिक्स। हमें चेक करना है कि ये दोनों पॉइंट इस लाइन के सेम साइड हैं या अपोजिट साइड है। समझा रहा है? अभी तुम लोग पढ़े हो कि टू पॉइंट एक्स वन वाई वन एंड क्यू एक्स टू वाई टू आर ऑन सेम साइड और अपोजिट साइड। कैसे चेक करते थे हम लोग? हमने कहा कि अगर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी इसके साइन सेम आ गया, सेम साइन है तो दोनों सेम साइन होंगे और अपोजिट साइन है तो दोनों अपोजिट साइन होंगे। या ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो दोनों सेम साइन है और अगर प्रोडक्ट निगेटिव है तो दोनों अपोजिट साइन है। तो यहां चेक करो, ये लाइन है 3x माइनस 4y माइनस 8 तो यहां पर करेंगे हम इसको हमें काम कर रहे हैं जेड मान ले रहे हैं। लेट जेड इज इक्वल टू 3x माइनस 4y
माइनस एट। जेड वन मान लो पी पुट करने का, जेड वन जेड वन क्या किया हमने, थ्री का फोर पुट किया इसे, तो क्या हो जाएगा थ्री थ्री माइनस फोर, फोर माइनस एट, तो ये नाइन माइनस सिक्सटीन माइनस एट, सिक्सटीन माइनस एट ट्वेंटी फोर हो जाएगा, ये कितना हो गया माइनस ट्वेंटी हो गया, ये लेस देन जीरो वाला है। तुम अब जेड टू निकालो, जेड टू लेके क्यों पुट करो, टू माइनस सिक्स थ्री इंटू टू माइनस फोर इंटू माइनस सिक्स माइनस एट, ये हो गया सिक्स प्लस ट्वेंटी फोर माइनस एट, थर्टी माइनस ट्वेंटी का हो गया ट्वेंटी टू, ये ग्रेटर देन जीरो। तो यहां क्या लिख रहा हूं देखो लो, सिंस जेड वन एंड जेड टू है अपोजिट साइन, देयरफॉर पॉइंट पी थ्री कमा फोर एंड क्यू टू माइनस सिक्स और ऑन अपोजिट साइड, समझ आ रहा है, साइन सही आ गया और ऑन अपोजिट साइड टू गिवन लाइन वन, इसी को वन कर दे रहा हूं, आया समझ में, अगर दोनों का साइन सेम आता तो सेम साइड कर देते हैं। लिखो लिखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ बीटा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ बीटा सो दैट एस ओसो, सो दैट पॉइंट जीरो कमा बीटा लाइज ऑन लाइज ऑन और इनसाइड द ट्रायंगल, लाइज ऑन और इनसाइड द ट्रायंगल हैविंग द साइड्स, हैविंग द साइड्स थ्री एक्स प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस फोर वाई, एक्स प्लस फोर वाई माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन आपसे सुन लो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ बीटा सो दैट द पॉइंट जीरो कमा बीटा लाइज ऑन और इनसाइड द ट्रायंगल हैविंग द साइड्स थ्री एक्स प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस फोर वाई माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन लिख लीजिए, सवाल जरा समझो, बड़ा बढ़िया सवाल है, याद रखो क्वेश्चन ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी क्वेश्चन है का, ये ट्रायंगल दिया है एबीसी, इसके तीनों साइड्स की इक्वेशन, इसको वन कर दो, ये वन इक्वेशन, ये टू और ये थ्री। सबसे पहला काम आप फटाफट काम करिए, वन टू को सॉल्व करिए, टू थ्री को सॉल्व करिए, वन थ्री को सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से या चाहे जैसे आपको जो मेथड आसान लगे वैसे करके वन टू थ्री का, जैसे वन टू से वन उससे क्या मिलेगा ब्रो, वन और टू का इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी है, ठीक है ना, ऐसे ही आपका टू और थ्री का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सी है और वन वन और टू का बी हो गया, तो
टू और थ्री का सी हो गया, वन और थ्री का ए हो गया। अब आप करके बताइए, पहले फिर सवाल सॉल्व करते हैं, जल्दी करिए। अब देखो यहां पर आप जैसा फिगर देख रहे हैं, यहां पर लाइन वन, लाइन वन के लिए ये क्वेश्चन है 3x + y + 2 = 0। लाइन वन साइड ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन टू 2x - 3y + 5 = 0 साइड बी सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और x + 4y - 14 = 0 ये साइड थ्री के लिए हो गया। तो ऑन सॉल्विंग दीज इक्वेशन साइमल्टेनियसली वी गेट वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ एंगल एबीसी। कैसे? वन और टू, वन और टू का इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी हो गया, ये -1 कॉमन हो गया। टू और थ्री का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सी हो गया, 2, 3, और वन और थ्री का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए हो गया, -2, 4। अब जरा सवाल पे आ जाओ, बड़ा ही बढ़िया सवाल है ये। सवाल क्या कर रहा है, बीटा की वैल्यू बताओ, बीटा की वैल्यू जिसके लिए पॉइंट 0, बीटा या तो इस ट्रायंगल के अंदर हो, लाइज इनसाइड और ऑन द ट्रायंगल एबीसी, पॉइंट पी मान लो इसको। पॉइंट पी, अब यहां लिखो पॉइंट पी लाइज इनसाइड द ट्रायंगल एबीसी इफ फॉलोइंग कंडीशन अप्लाइड साइमल्टेनियसली। पॉइंट पी, पॉइंट पी से पॉइंट पी 0, बीटा पॉइंट पी 0, बीटा लाइज इनसाइड द ट्रायंगल एबीसी इफ फॉलोइंग कंडीशंस अप्लाइड साइमल्टेनियसली। जब ध्यान देना, यहां दो बातें कर रहा है, पॉइंट पी लाइज इनसाइड, या ध्यान दो बेटा देखो इधर, पॉइंट पी लाइज इनसाइड और ऑन द ट्रायंगल एबीसी। तो यहां जो बातें हैं, ऑन का मतलब क्या होगा, ट्रायंगल पर लाई करेगा, इसका मतलब ट्रायंगल के सर्कम फरेंस पर भी लाई करेगा। कैसे? पॉइंट पी का जो दायरा है वो या तो अंदर हो इसके या ट्रायंगल पर हो, पर होगा मतलब क्या हुआ, ए बी पर हो सकता है, बी सी पर हो सकता है, या ए सी पर हो सकता है। यानी जो पॉइंट पी है वो लाइन वन, लाइन टू और लाइन थ्री के, लाइन थ्री को सेटिस्फाई करेगा। पॉइंट पी 0, बीटा लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब 0, बीटा इसमें पुट करें, इसमें लाइन वन में तो 0 आना चाहिए, इसमें पुट करें तो 0 आना चाहिए, इसमें पुट करें तो 0 आना चाहिए, तीनों पुट करें तो 0 आएगा। क्लियर ना? तो तुम आन का मतलब समझ गए। यहां पर क्या लिखा, पॉइंट पी लाइज इन साइड द ट्रायंगल एबीसी फॉलोइंग कंडीशन अप्लाइड साइमल्टेनियसली। अब इनके लिए क्या होगा, ध्यान देना, पहला क्या होगा इसमें, पहला अगर पॉइंट पी ट्रायंगल के अंदर है तो ट्रायंगल में तीन साइड भी तो है, ए बी है, बी सी और ए सी है। अब चलो हम एक ही साइड पकड़ रहे हैं, हमने साइड ए बी पकड़ लिया, अधिकतम से चलो ए बी यानी वन को पकड़ो। अब वन के संदर्भ में दो पॉइंट मिले नहीं मिले पी और सी, बताओ तो क्या लिखोगे, पॉइंट पी 0 बीटा लाइज इनसाइड द ट्रायंगल एबीसी
इफ फॉलोइंग कंडीशंस अप्लाइड साइमल्टेनियसली, क्या पॉइंट पी जीरो बीटा एंड सी टू का थ्री आर ऑन सेम साइड टू लाइन वन, समझ आया? बोलो जी, आप ये लाइन वन देखिए, इसके सेम साइड में आया कि नहीं आया? तो दो पॉइंट लाइन ए, दो पॉइंट है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, लाइन वन यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के सेम साइड कब होंगे? जब ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी इज ग्रेटर देन जीरो होगा, लगा दिए कंडीशन। तो यहां से देखिए लाइन वन ये रहा, तो थ्री इंटू जीरो प्लस बीटा प्लस टू वन ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अब ए एक्स टू, ए एक्स टू लगाइए थ्री इंटू टू प्लस थ्री प्लस टू इज ग्रेटर देन जीरो किया, तो ग्रेटर देन जीरो किसके लिए होगा? इनके लिए हो गया, ऑन भी करा है तो ऑन में क्या करोगे? इक्वल टू लगा दोगे, तो यहां पे इक्वल टू जीरो, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर? अब यहां पे ये हो गया बीटा प्लस फाइव हो गया, नहीं ये जीरो जाएगा, बीटा प्लस टू हो जाएगा, बीटा प्लस टू, और यहां कितना हो गया? छह, ये तीन छह तीन नौ दो ग्यारह हो जाएगा। अब दो नंबर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, इलेवन तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो क्या इंप्लाई करेगा कि बीटा प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो, या क्या मिल गया यहां से? बीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस टू, इसको फोर्स कर, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अब नेक्स्ट कंडीशन देखो, चलिए लिखा था लाइन टू का, अब लाइन टू को पकड़िए, पहला कंडीशन खत्म हो गया, दूसरा कंडीशन पॉइंट पी जीरो बीटा एंड हम लाइन टू को देख रहे हैं, पॉइंट ए हो गया ना, पॉइंट पी जीरो बीटा एंड ए माइनस टू फोर लाइज ऑन सेम साइड टू लाइन, जरा क्वेश्चन बोल दो पर टू एक्स माइनस हाँ प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, टू पॉइंट पी जीरो बीटा एंड ए माइनस टू फोर लाइज ऑन सेम साइड टू लाइन टू, यानी कि टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, आम तो है ही, अब क्या करोगे इसका मतलब? पहले तो चर्चा कराओ, टू इंटू जीरो माइनस थ्री इंटू बीटा प्लस फाइव ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ए एक्स टू, तो टू इंटू माइनस टू माइनस थ्री इंटू फोर प्लस फाइव चलो यहां पर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, समझ बेटा? यहां पर खत्म हो गया, ये हो गया माइनस थ्री बीटा प्लस फाइव, यहां कितना हो गया? माइनस चार माइनस बारह माइनस सोलह, माइनस सोलह प्लस पांच माइनस ग्यारह हो गया, इसको ऐसे कर दो माइनस बाहर हो गया, तो क्या हो गया? थ्री बी का माइनस फाइव हुआ, माइनस यहां भी है तो माइनस वन प्लस हो गया ग्यारह, ये क्वालिटी पॉजिटिव है, प्लस का मिल जाएगा थ्री बीटा माइनस फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो,
अब 3 बीटा इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 और बीटा इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 बाई 3 से 5 नंबर है। समझा गया? अब 9th को पकड़ो। तीसरा कंडीशन, लाइन बी के स्पेक्टर को कौन आ गया? बी और पी आ गया, ठीक है ना बेटा? पॉइंट्स पी 0 बीटा एंड बी -1 लाइज ऑन सेम साइड टू लाइन, बोलिए इसका इक्वेशन x प्लस 4y माइनस 14 पॉइंट बी 0 बीटा एंड बी -1 लाइज ऑन सेम साइड टू लाइन 3। तो यहां से करिए, एक्स वन करिएगा 0 प्लस 4 बीटा माइनस 14 ए एक्स वन प्लस डी वाई प्लस सी, ऐसे एक्स टू वाई टू करिए -1 प्लस 4 माइनस 14 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू, सेम साइड में है, ए एक्स वन प्लस डी वाई वन प्लस सी, ए एक्स टू प्लस डी वाई टू प्लस सी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू हो गया। ये हो गया 4 बीटा, यहां कितना हो गया माइनस, कितना हो जाएगा ना, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये सारे को 0 हो गया, अब दो नंबर का प्रोडक्ट डिवेटिव कब होगा? जब दोनों का साइन पॉजिटिव होगा, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, कैसा जा रहा है? ये पॉजिटिव है ना, इसका मतलब ये निगेटिव होगा, जैसा मिल जाएगा 4 बीटा माइनस 14 जल्द सारे को 0, 4 बीटा जल्द सारे को 14, बीटा इज लेस आर इक्वल टू 14 बाई 4, बीटा इज लेस आर इक्वल टू 7 बाई 2, यस इज कॉरेक्ट। तीन तीन इनइक्वालिटी है, अब याद रख लिया ना, तीन तीन इनइक्वालिटी है, अब बीटा के तीन तीन रेंज आ रहे हैं तो सॉल्व कैसे करोगे? सर कॉमन रेंज निकालोगे, कॉमन, तो देखो कैसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जब कहते तो लाइन पहला क्या था, फोर था, देखो लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इनइक्वालिटीज 4, 5 एंड 6। तो देखिए पहला क्या है, बीटा क्या लिखा था, ग्रेटर दैन इक्वल टू -2, तो मान लो कहीं -2 है, बीटा इज ग्रेटर दैन इक्वल टू है, जिसको इंक्लूड करके चलेंगे, ये -2 जमा हो गया। दूसरा क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 5/3, 5/3 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मान लो कहीं यहां कहीं 1 आ रहा है, तो ये मैं दे दिया, इसी के लिए 5/3 है, बीटा की वैल्यू इधर से हो गई, ठीक है ना, 5/3, ठीक है ना। अब देखो इधर कॉमन नहीं है, कॉमन 5/3 से बड़ा आया, नहीं समझ आ रहा, -2 और 5/3 में कुछ कॉमन नहीं है, 5/3 से बड़ा कॉमन आया किसके किसके बीच में, 4 और 5 के बीच में, ठीक। अब फिर क्या होगा, छठा क्या है, 7/2 छोटा, 7/2 कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, तो ये 7/2 नॉर्मल कहीं आप 7/2 से छोटा इधर हो गया, अब दोनों काम हो रहा है ना, तो बीटा की जो वैल्यू आ रही है क्या हो रही है, 5/3 से बड़ी या इक्वल 7/2 से छोटी या इक्वल, तो क्या लिखोगे, देयरफॉर 5/3
इज लेस आर इक्वल टू बीटा इज लेस आर इक्वल टू 7/2 या इसको क्या लिख सकते हो एंड नॉर्म में कैसे लिखोगे बीटा बिलोंग्स टू 2/5/3/7/5 क्वेश्चन है ये आवाज जो नहीं समझ पाया वो गया काम से अच्छा सवाल है